हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एक डिवाइस पढ़ा था जिसका नाम था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बहुत सारे यूजेस थे। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो हम करंट और वोल्टेज जो है वो मेजर कर सकते थे, और हम गैल्वेनोमीटर को व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यूज करते थे। बट गैल्वेनोमीटर फंक्शन कैसे करता है ये हमने अभी तक नहीं बताया था, तो वो हम देख लेते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक डायपोल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक मैग्नेट होती है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, और इसकी वजह से एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम अभी देख लेते हैं। इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके अराउंड ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है वो इस तरह से बाउंड किया हुआ है, सही है। तो जो करंट कैरिंग लूप है वो इस तरह से बाउंड होगा, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, सही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और हम इसको किसी भी एंगल पे मूव करेंगे तो ये उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो उस पर टॉर्क जो है वो हमेशा एम इंटू बी के इक्वल अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि एम बी एम क्रॉस बी में एम इंटू बी इंटू साइन 90 हो जाएगा, जो कि एम इंटू बी के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ एम और एम की, तो आई इंटू एन इंटू ए आएगा, वेयर आई इज द करंट कैरिड एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, सही है। तो यहाँ पे ये टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। दूसरी बात, इसके इस पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है जिसे टॉर्शनल स्प्रिंग कहते हैं, तो जितना ये घूमता है उतना वो स्प्रिंग टॉर्क लगाता है, और वो टॉर्क किसके इक्वल होता है, वो टॉर्क होता है के इंटू थीटा के इक्वल, जहां पे के होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। तो जब मैं इस इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहां पे वो जाके सेटल होगा, सही है। तो उससे मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं, विच इज आई इंटू एन इंटू ए इंटू बी बाई के, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ लूप एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस परमानेंट मैग्नेट एंड के इज दिस टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अब ये चारों चीजें हम देख सकते हैं कि गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ऑल टाइम्स में वो कांस्टेंट रहेंगी, सही है। तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट के टू डिनोट कर देता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, सही है। तो थीटा इज इक्वल टू आई इंटू के टू हो जाएगा, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। इससे हम क्या देख सकते हैं कि जितना उसमें करंट फ्लो करेगा उतना ही डिफ्लेक्शन करेगा, और उतना ही थीटा से रोटेट करेगा, जहां पे यहां पे हमने स्केल लगा दिया है, और उतना डिफ्लेक्शन ये शो कर देगा, जिससे कि गैल्वेनोमीटर हमारा करंट को मेजर कर सकता है।